चलो चलो भूल जाओ। नहीं बोलने का। हाँ जी बोलिए, वहाँ पे आवाज नहीं आ रही थी। गुड इवनिंग मैम, क्या मैं आशा जी से बात कर रही हूँ? हाँ जी मैं बोल रही हूँ। क्या आपका अकाउंट HDFC बैंक में है? हाँ क्यों, क्या बात है? बात नहीं बधाई है, आपके बैंक अकाउंट को बोनस मिल रहा है। बोनस? कितने का बोनस? अरे मैम अगर आप खड़ी है ना तो बैठ जाइए, कहीं आप अमाउंट सुन के बेहोश ना हो जाए। हाँ जी मैं बैठ गई। कितने का बोनस लगा है आपको? बोनस मिला है पूरे 30 लाख का। क्या 30 लाख? ये अमाउंट पाने के लिए आपको बस एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होगा, फिर ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्या प्रोसेस है, मुझे बैंक आना है? नहीं नहीं मैम, बैंक आने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक 6-डिजिट कोड आएगा, आपको बस मुझे वही बताना होगा। जी जी हाँ जी आ गया। हाँ मैम बताइए कोड क्या है? 7876 56। थैंक यू मैम। अभी फोन कट हो जाने के बाद आप 10 तक गिनिएगा, फिर सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। टेक केयर मैम, पैसे का सही इस्तेमाल करना, कहीं जल्दी खत्म ना हो जाए। चलो उन्होंने बोला 10 तक गिनो, अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। 1 2 10 अब आ गए होंगे, मैसेज चेक करती हूँ। क्या ये तो मेरा अकाउंट 0 हो गया, ये क्या हुआ? मैं उनको फोन लगाती हूँ। अरे ये तो नंबर ही बंद हो गया। हे भगवान। ये पैंट अच्छा है, ये टी शर्ट भी अच्छा है ना, वो पिंक वाला अच्छा है। कितना है प्राइस? प्राइस देख। चल चल भाई चल चल। ओ ये बूट्स कितना सही है, मेरे को हमेशा से इतने हाई बूट्स चाहिए थे, आज लेना है। प्राइस टैग तो देख उसका, बहुत महंगे कपड़े हैं। चल वो देखो, देख ग्रीन वाला कितना अच्छा है। नहीं वो पिंक वाले शेड में तो ज़्यादा अच्छा लगा, पिंक वाइट। यार यहाँ कितने सारे महंगे कपड़े हैं ना। हाँ यार सही बोल रही है तू, इससे ज़्यादा तो मैं सीधा ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए, ज़्यादा आसान पड़ता है। अब धूप में यहाँ शॉपिंग करते हैं तो टैनिंग भी हो जाती है। हम तो बड़े भी हो गए, हमारे पास तो खुद का बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए। हाँ सही कहा, चल घर जाके इसी के बारे में मम्मी से बात करते हैं। हाँ हाँ चल चल चल। मम्मा मम्मा हम आ गए। अरे कहाँ गए थे तुम लोग? अरे मम्मी आपको बताई तो थी मैं जाने से पहले कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। अरे हाँ मेरे दिमाग से ही निकल गया। अच्छा तो आ गए गरीबी में आटा गीला करके। हाँ? मतलब हम तो शॉपिंग करके ही आ रहे हैं। वही तो बोला। अरे मम्मा चिंता मत करो, हमने कोई शॉपिंग नहीं की। अच्छा वेरी गुड बेटा, कुछ तो पैसे बच गए। वही तो, हमें पैसे जो बचाने थे। अब मुझे सच में लगने लगा है कि तुम लोग बड़ी हो गई हो। हाँ मम्मा अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारा खुद का बैंक अकाउंट भी तो होना चाहिए ना। क्या बैंक अकाउंट? एक अकाउंट तो वैसे ही साफ हो गया, एक और चाहिए। हाँ मम्मा हमें एक बैंक अकाउंट चाहिए जिससे हम सस्ते में शॉपिंग कर सके और पैसे भी बचा सके। हम थोड़ी आपकी मेहनत की कमाई ऐसे ही उड़ा देंगे। मेहनत की कमाई तो पहले ही उड़ गई है, अब क्या उड़ाओगी? क्या उड़ गया? कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे मम्मा अगर आप चाहो तो तब तक के लिए हम आपका कार्ड भी यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद ही तुम्हारे पापा का कार्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम्हारा अकाउंट में खुलवा देती हूँ, उसके बाद ही तुम जो करना। Yes, thank you, mama. Love you. अरे वाह कितनी अच्छी ड्रेस है। अरे ये तो वही ड्रेस है जो हमने वहाँ देखी थी, देखो आधे प्राइस में मिल गई, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग ही अच्छा होता है। ये लो तुम्हारा डेबिट कार्ड आ गया। ये डेबिट कार्ड फाइनली आ गया, थैंक यू मम्मा। अच्छा सुनो। अरे मम्मा मेरा डेबिट कार्ड आ गया क्या? कहाँ है डेबिट कार्ड, दिखा दिखा। ये देख डेबिट कार्ड आ गया हमारा।
अभी हम लोग इसके साथ ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। हाँ हम सस्ते सस्ते कपड़े, मैं ना पहले एक्सेसरीज मंगाऊंगी सबके लिए। चल अभी हम शॉपिंग करते हैं। हाँ चल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ दिखा फोन को, ये देखिए वही ड्रेसेज हम उस दिन देखे थे ना। ये हाँ मम्मा इधर आओ जरा बेटा, आइया ये ले पकड़। हाँ मैं बिना कुछ करना मत। हाँ सिर्फ देख, मैं एक्सप्लोर करती हूँ। हाँ मम्मी आपने बुलाया क्या? हाँ बेटा बुलाया मैंने। क्या हुआ? सुनो बेटा, मैंने तुम लोगों को डेबिट कार्ड तो दे दिया है, लेकिन एक बात मैं तुम दोनों से नहीं बताई जो कल मेरे साथ हुई थी। कल मुझे ऐसे ही एक फोन आया और उन्होंने बोला कि आपको बोनस मिला है। बोनस? कितना? अरे 25 लाख का बोनस। वाओ 25 लाख, मतलब पार्टी पार्टी। हम लोग इतने सारी शॉपिंग कर सकते, नई गाड़ी ले सकते, नई बंगला ले सकते, हम लोग तो माला माल हो गए। अरे बेटा वो एक फ्रॉड कॉल था, उन्होंने बोला कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कीजिए और OTP शेयर कीजिए, और मैंने उनके साथ शेयर कर दिया और देखा कि कुछ ही टाइम में मेरा अकाउंट जीरो हो गया। हाँ कोई बात नहीं बेटा, एक बार हम गलती कर गए हैं, आगे से नहीं करेंगे। पापा का अकाउंट तो है ना, वही मैं तुम दोनों को समझाना चाहती हूँ कि अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हारा कार्ड तो दे दिया लेकिन बहुत संभाल के इस्तेमाल करना। कभी भी कोई फ़ोन पे तुमसे तुम्हारा अकाउंट डिटेल मांगता है, OTP मांगता है, तो कभी भी शेयर नहीं करना किसी के साथ भी, ठीक है? ओके मामा, मैं आयु को बताती हूँ, नहीं तो वो भी फंस जाएगी। हाँ आयु को भी ये जाके समझा दो। ओके मम्मा। हाँ इसे ऑर्डर कर लेती हूँ। ओ ये एक्सेसरीज भी अच्छे हैं। अरे शॉपिंग के बीच में किसका फोन आ रहा है? हेलो। हेलो मैम, क्या मैं आयुष्का से बात कर रही हूँ? हाँ मैम, क्या आपने रिसेंटली एक नया अकाउंट खोला है HDFC बैंक में? हाँ मैम, क्योंकि आप हमारे नए कस्टमर हो तो आपको बैंक की तरफ से एक गिफ्ट मिल रहा है। क्या गिफ्ट? सच्ची? मैम अगर आप खड़ी है ना तो बैठ जाइए, कहीं आप ये अमाउंट सुन के बेहोश ना हो जाए। हाँ हाँ मैं बैठी हूँ, बताइए क्या गिफ्ट है? मैम आपको बैंक की तरफ से 5 लाख का गिफ्ट मिल रहा है। क्या 5 लाख? नो 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 नो। हेलो हेलो मैम, हेलो हेलो हेलो। ओह नो, लगता है कस्टमर चला गया। शॉपिंग करते करते सो गई। आयु हेलो हेलो, ये क्या किसी से कॉल में बात कर रही थी? हेलो हेलो हेलो, वो वाली मैम को सांप सूंघ गया। हाँ? इस वाली मैम को डसी है जी? रे जी मने जीनियस। मतलब? अरे आपको बाद में पता चल ही जाएगा, बताओ बताओ क्या हुआ? मैम अगर आप खड़ी हैं तो आप बैठ गई हूँ। बताओ बताओ क्या बात है? मैम आपको बैंक की तरफ से 5 लाख का गिफ्ट मिल रहा है। वाओ बहुत ही अच्छा है। उन्होंने बोला कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कीजिए और OTP शेयर कीजिए, और मैंने उनके साथ शेयर कर दिया और देखा कि कुछ ही टाइम में मेरा अकाउंट जीरो हो गया। अच्छा तो ये बताओ ये कैसे मिलेगा? आपको बस उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होगा। ओ क्या प्रोसेस है? आपके फ़ोन में एक 6 डिजिट का कोड आएगा, आपको बस वही मुझे बताना होगा, फिर सारा अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओ तभी तो ये बेहोश पड़ी है। हाँ हाँ बताओ कैसे मिलेगा? फोन कट हो जाने के बाद आप 10 तक गिनेगा, फिर उसके बाद अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा फिर 1 मिनट रुकिए। हाँ मैम। म्यूट करती है, अभी देखती। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे ना एक फ्रॉड फोन आया है, मेरा पर्सनल डिटेल्स मांग रहे हैं अकाउंट का। हाँ मैं आपको उनका नंबर भेजती हूँ। हाँ ओके, मैं उनको डिले भी कर दूंगी, तक तब आप उनको पकड़ लेना। ओके मैं आपको फोटो भेजती हूँ। ओके ओके चलो। हाँ आया मुझे OTP। हाँ मैम बताइए कोड क्या है? हाँ तो OTP है 5446।
मैम ये कोड गलत दिखा रहा है। गलत है? अच्छा तो ये होगा शायद से 544662। मैम वापस गलत आ रहा है। सॉरी, वापस देख के बताती हूँ। सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, देखिए आप ध्यान से फिर बताइए मुझे। ओके 544663। मैम आप ध्यान से देख नहीं रही हैं, देखिए और फिर बताइए। ध्यान तो आप नहीं दे रहे हो, आप दूसरों की मेहनत की कमाई चोरी कर रहे हो। इससे आपको कुछ पल की खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन जो आप उनको जिंदगी भर का दुख दे रहे हो वो सही नहीं है। आप बड़े होके नहीं समझ रहे और हम छोटे होके समझ गए। पुलिस, पुलिस! लगता है आपके घर आपके मेहमान पहुंच गए। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, या तो कभी नहीं। तो देखा दोस्तों, ऐसे कितने सारे फ्रॉड होते हैं जो आपको या तो मेल से या तो फोन से या तो बहुत सारे तरीकों से आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगते हैं। आपको अपनी डिटेल्स बिल्कुल नहीं देना होता है। और अगर आप कंफ्यूज हो कि वो फ्रॉड है कि नहीं, आप अपने मॉम डैड को बताओ, वो आपको बता देंगे। क्योंकि RBI खुद कहता है कि बैंक कभी भी फोन पे आपका अकाउंट डिटेल्स नहीं मांगते। तो गाइज हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी के साथ शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्त भी अवेयर हुए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस बना पाए। मेरी बहन आई तो अभी तक बेहोश है, अब इसको उठा के यही सब एक्सप्लेन करती हूँ वापस, नहीं तो अगली बार वो वापस फंस जाएगी। आयु उठ। मेरा 5 लाख 5 लाख 5 लाख आया क्या? गाइज अब आपको पता है आया कि नहीं आया। तो गाइज हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।